विंडोज 10 अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि विंडोज 10 में अपडेट्स को सिर्फ पॉज करने का ऑप्शन दिया जाता है, ना कि अपडेट्स को परमानेंट डिसेबल करने का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज 10 में अपडेट्स को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। विंडोज अपडेट्स को टेम्परेली डिसेबल करने के लिए विंडोज 10 में एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि सेटिंग्स में मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेट्स में आ जाना है। टेम्परेली अपडेट्स को पॉज करने के लिए आप यहाँ पर पॉज फॉर 7 डेज पर क्लिक कर सकते हैं, फिर ये मैक्सिमम 1 मंथ के लिए अपडेट को पॉज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर परमानेंटली अपडेट्स को डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये सिंपल सा एक 3-स्टेप प्रोसेस होने वाला है। लेकिन अगर आप विंडोज अपडेट करते रहते हैं और आपको सिर्फ अपडेट को पॉज करना है तो आपको यहीं से पॉज कर देना है। जब भी आप विंडोज अपडेट करना चाहेंगे तो आपको रिट्राई पर क्लिक करना है, फिर आपका विंडोज अप टू डेट हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको विंडोज अपडेट नहीं करना होता है, तो इसके लिए आपको मैं 3-स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। 3 स्टेप्स में आपके विंडोज का अपडेट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। जो पहला स्टेप है वो है सर्विसेज में जाके विंडोज 10 अपडेट्स को डिसेबल करना। तो हम सर्च में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सर्विसेज, और यहाँ से सर्विसेज को ओपन कर लेंगे। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि है विंडोज अपडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है विंडोज अपडेट, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैनुअल है, इसको हम डिसेबल कर देंगे और फिर स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से विंडोज 10 का अपडेट्स स्टॉप हो जाता है। फिर रिकवरी में आ जाएंगे और यहाँ से टेक नो एक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 999 डेज कर देंगे। यहाँ पर तीनों जगह पर टेक नो एक्शन रहेगा, फिर अप्लाई करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमने विंडोज अपडेट को 999 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर अब आपको रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करना है। रजिस्ट्री में चेंजेस करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर, और रजिस्ट्री एडिटर को यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है, फिर यस पर क्लिक कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा। फिर यहाँ से एच की लोकल मशीन को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से सॉफ्टवेयर के एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा पॉलिसीज, इसके एरो पर क्लिक करना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट के एरो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से विंडोज के एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर विंडोज अपडेट का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा तो आप वो फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली विंडोज पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से न्यू पर क्लिक करके की पर क्लिक कर देना है। फिर इस फोल्डर को नेम देना है जो कि है विंडोज अपडेट। तो हम इसको नेम दे देंगे WINDOWSUPDATE, और यहाँ पर W और U दोनों कैपिटल लेटर्स में रहेंगे। फिर हम ये नेम सेव कर देंगे। विंडोज अपडेट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसके लिए विंडोज अपडेट पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से न्यू पर की को सेलेक्ट कर लेना है और इसको नेम देना है कैपिटल A कैपिटल U, फिर एंटर पर प्रेस कर देना है। फिर AU फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। AU फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये राइट साइड में ब्लैंक स्पेस पर एक राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू के अंदर डी वर्ड 32 बिट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको हम नेम देंगे कैपिटल A कैपिटल U कैपिटल OPTIONS, फिर सिंपली एंटर पर प्रेस कर देना है। ये जो नया ऑप्शन हमने क्रिएट किया है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से वैल्यू चेंज करके कर देंगे 2, फिर ओके पर प्रेस कर देना है। अब इसको हम फिर से कोलैप्स कर देंगे। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब अगर आप विंडोज 10 का होम एडिशन यूज करते हैं तो आपका विंडोज अपडेट अब पॉज हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज 10 प्रो यूज करते हैं तो आपको एक और स्टेप करना है। इसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर सर्च करना है ग्रुप पॉलिसी। आपके स्क्रीन पर एडिट ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। लोकल कंप्यूटर पॉलिसी के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसके एरो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से विंडोज कंपोनेंट के एरो पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके विंडोज अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोल्डर है विंडोज अपडेट, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इस पर डबल क्लिक करना है और आपके स्क्रीन पर ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर डिसेबल को सेलेक्ट कर लेना है, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है और फिर ओके पर प्रेस कर देना है।
जो विंडोज अपडेट है अब आपके विंडोज 10 प्रो में भी बंद हो जाएगा, या फिर अगर आप विंडोज 10 का होम एडिशन यूज करते हैं तो भी विंडोज अपडेट बंद हो जाएगा। अब हम सिंपली इसको क्लोज कर देंगे और एक फाइनल स्टेप करना है। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है और फिर सेटिंग्स में आ जाना है, फिर यहाँ से नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन शो हो जाएगा, लेकिन मैं एथरनेट यूज कर रहा हूँ तो एथरनेट आ जाएगा। जो भी आपके वाईफाई का नेम होगा उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, इसको एनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, विंडोज को लगेगा कि आपके पास जो डेटा है वो लिमिटेड है, तो विंडोज अपने आप कोई भी मेजर अपडेट नहीं करेगा। अब आपको सिर्फ इतने ही स्टेप्स करने हैं और आपके विंडोज का अपडेट बंद हो जाएगा। इसे वेरीफाई करने के लिए हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि विंडोज अपडेट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमने अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ से विंडोज अपडेट में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिख दिया है सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि आप विंडोज अपडेट नहीं कर सकते। जब भी आप रिट्राई पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक ऐसा एरर आ जाएगा। और मैं वेरीफाई करा देता हूँ कि हमारा सिस्टम अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा सिस्टम अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसे हम क्लोज कर देंगे। अब ये तो हो गया कि आप कैसे विंडोज के अपडेट को बंद कर सकते हैं। और अगर आप ये अपडेट फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने जितने भी चेंजेस किए हैं अपने सिस्टम में उसको वापस से वैसा कर देना है जैसा कि वो पहले था। तो अपडेट्स को फिर से एनेबल करने के लिए आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको स्टेप्स समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और पीसी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।